नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ दुशा। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसके बाद से जोगी लगातार कोमा में थे। डॉक्टरों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर उन्हें फिर से कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद जोगी ने करीब 3:30 पर आखिरी सांस ली। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने ट्विटर पर पूर्व सीएम की मौत की खबर की पुष्टि की। उन्होंने ये भी बताया है कि अंतिम संस्कार शनिवार को अजीत जोगी के जन्म स्थान गोरेला में होगा। अजीत जोगी के निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया। बघेल ने ट्विटर पर लिखा कि जोगी की मृत्यु प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने भी जोगी के निधन पर श्रद्धांजलि दी। रमन ने जोगी के निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। पैरों से चलना मुश्किल था, तब व्हील चेयर पर बैठकर भी उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को कई बार नापा और अपनी एक अलग साख छत्तीसगढ़ की जनता के बीच बनाई। मुख्यमंत्री के रूप में भी छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतर सेवा की। वो अपने कार्यों के लिए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता में, जनता के दिलों में सदैव बने रहेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के समान अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। मध्यप्रदेश की जनता की ओर से भी श्रद्धांजलि। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दुख की इस घड़ी में परिवारजन आदरणीय विधायक डॉक्टर रेणु जोगी जी, पूर्व विधायक अमित जोगी जी, ऋचा जोगी जी के साथ साथ परिवारजनों को दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति दे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। आज कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में ही देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और वे जन नेता थे जो जनता के दुख दर्द को, जनता के नब्ज को समझकर उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हम लोग देखने आए थे पिछले बार, तो ऐसा लग रहा था कि इस मुश्किल से भी वो निकलेंगे, लेकिन इस बार मौत ने विजय हासिल किया और अपने आगोश में समा लिया। इस विषम परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के प्रति, मैडम जोगी और अमित के प्रति, कि ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। श्रीमान अजीत जोगी जी का दुखद निधन हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार को इस सब वज्र शक्ति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उसके प्रथम मुख्यमंत्री आज स्वर्गीय अजीत जोगी की चरणों में मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उनके साहस, उनके आत्मविश्वास को मैं वाकई में प्रणाम करता हूँ कि व्हील चेयर पर रहकर जिस प्रकार से अपनी पार्टी का संचालन किया, एक अद्भुत व्यक्ति, एक अद्भुत शक्ति उनमें थी। मैं उस शक्ति को, उनके साथ में विश्वास को प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का आज निधन हो गया। आपको बता दें कि 1998 में आपको बता दें कि 2016 में वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उस 1998 में रायगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा था।